अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास टेंथ मैथ एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं, और जिसका मैंने इसको तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो पहला जो सा हिस्सा है वो एक से लेकर चार चौथे क्वेश्चन तक है, और जो सा दूसरा हिस्सा है वो पाँचवें से लेकर आठवें तक है, और जो सा अगला है वो नौवें से लेकर ग्यारहवें तक है। ठीक है, तो आज हम पाँचवें से लेके आठवें क्वेश्चन तक कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको किताब से दिखा देता हूँ। तो गैज ये आप देख रहे हैं कि पहले जौन सा पहला पार्ट है वो एक से लेके चार तक, ठीक है, एंड जौन सा दूसरा पार्ट है वो हमारा दूसरा हिस्सा यानी टाइप, इसकी तीन टाइप्स है ना 1.4 की। तो पहली टाइप के ये चार क्वेश्चन है पहले, और दूसरी टाइप के पाँचवें से लेके आठवें तक क्वेश्चन है, और तीसरी टाइप के नौवें से लेके ग्यारहवें तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम पाँचवें से लेके आठवें तक क्वेश्चन करेंगे। तो गैज अब मैं आपको समझाता हूँ। तो गैज जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास टाइप लिखी हुई है सेकंड टाइप, ठीक है, एंड ये 1.4 के पाँचवें से लेके आठवें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली टाइप इस्तेमाल होगी हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस की जो सा मैंने आपको पाँचवें से लेकर आठवें तक बताए क्वेश्चन, हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, तो गैस ये देखें कि हमारा ये जो सा है दूसरी टाइप, देखें कि इसके साथ बिल्कुल मैच हो रही है, और ये हमारी बिल्कुल दूसरी ही टाइप है, यानी पाँचवा क्वेश्चन हमारा दूसरी टाइप का है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले लिख लेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ताकि इनके स्क्वेयर रूट को ख़त्म कर सकें। तो गैस जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख लिया, तो अब हम इसे लिख लेंगे एक्स प्लस फाइव होल का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 21 होल का स्क्वेयर। अब हम पहले इस होल का स्क्वेयर लेंगे, ठीक है, इनको अलग अलग नहीं करेंगे, अक्सर बच्चे इसी तरह गलती कर लेते हैं और उसका पूरा क्वेश्चन बोर्ड में गलत हो जाता है। ये अक्सर को आप यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो हम ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे एक्स प्लस फाइव होल का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 21 होल का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाले, एंड उसके बाद एक्स प्लस फाइव एंड एक्स प्लस 21 होल का स्क्वायर, ठीक है, एंड उसके अंदर आ जाता है x प्लस 60, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 60 होल का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद ये जो सा स्क्वायर है ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे भी इसी तरह, और यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिंपली आ जाएंगे हमारे पास x प्लस 5 प्लस x प्लस 21, एंड ये हमारे पास 2, हमने इसको इसमें प्लस नहीं कर देना, ठीक है, एंड ये हमारे पास बन जाएगा, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, ठीक है, या 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास एक्स प्लस 60 वैसे ही आ गया। ठीक है, और जब ये हमारे पास प्लस हो जाएगा तो 2x, ठीक है, और प्लस 26 रह जाएगा, यानी 21 प्लस 5 26 बन गया। ठीक है, और ये हमारे पास 2, एंड ये हमारे पास फॉर्मूले वाले आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 अंडर रूट, और ये हमारे पास x प्लस 60 वैसे ही आ गया। ठीक है, और इसके बाद तो हम गाइस अब इस तरह करेंगे कि ये वैल्यू इधर ले आएंगे, तो ये 2x यहाँ पे x प्लस था, इधर आके माइनस बन गया, एंड प्लस 26 ये इधर प्लस 60 प्लस था, इधर आके माइनस बन गया, तो ये बाकी हम वैसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 26 में से माइनस 60 निकालेंगे तो माइनस 34 आ जाएगा, और ये प्लस 2 फॉर्मूले वाले, एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 होल का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, अब हम इसके आगे मजीद करेंगे कि हमारे पास ये आ जाएगा 2 एंड एक्स स्क्वायर
प्लस 26 एक्स प्लस 105 होल का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम ये हमने जैसे कि यहाँ पे ये लाए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 60 इधर ले आए थे, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 24 प्लस माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड ये इधर माइनस है प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड अगेन लिख लेंगे। ठीक है, तो गैस जब हम इसका स्केयरिंग ऑन बोथ साइड अगेन लेंगे तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, एंड ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम स्क्वायर लिया है तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो गैस हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 4 एक्स स्क्वायर प्लस 26 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास बन गया 104x यानी 104x प्लस जब 104 को 105 को 4 के साथ किया तो 420 बन गया। ठीक है, एंड ये हमारे पास आ जाएगा जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास होल का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास समझे a प्लस ए माइनस बी होल का स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो ये जब हमने इसे खोला तो 1156 ये 34 का स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर जो सा फॉर्मूले के साथ होते हैं तो ये 68x आ जाएगा। ठीक है, और ये देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तमाम वैल्यू को, तो हमारे पास ये आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, एंड प्लस 104x। ठीक है, एंड ये जो सा 68 था यहाँ पे आके प्लस 68x बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस 420 था और ये इधर माइनस प्लस था उधर जाके माइनस बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, और अब हम इन सब को प्लस माइनस करवा लेंगे। ठीक है, तो गाइस 4x में से माइनस x निकाले तो 3x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। जब हम 104 में 68 प्लस करेंगे तो 172x आ जाएगा। ठीक है, एंड जब इनमें से 1156 में से 420 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 736 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल, एंड b इज इक्वल आ जाएगा 172 के, एंड c इज इक्वल आ जाएगा माइनस 736 के इक्वल। ठीक है, फैक्टराइजेशन इसकी मैंने की थी लेकिन नहीं हुई, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख लें। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो गाइस मैंने ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी प्रूव करना एक वीडियो में सिखा दिया, तो आप वो जाके वो देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास x इज इक्वल आ जाएगा माइनस 172 प्लस माइनस 172 होल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4a हमारे पास 3 के, एंड c इज इक्वल है माइनस 736 के इक्वल ओवर स्क्वायर रूट डाल देंगे ओवर 2, एंड a की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो आगे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 172 जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस माइनस 172 का जो सा स्क्वायर है वो है 29 यानी हम कह लें 29,584। ठीक है, माइनस जब ये हमारे पास प्लस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, एंड फिर जब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, तो ये हमारे पास जब हम 4 3 12 तो माइनस 12 को जब माइनस 736 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,832 यानी 8,832 ओवर होल का स्क्वायर ओवर 3 2 6। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 के इक्वल, तो x इज इक्वल आ गया माइनस 172 जब हम इन्हें प्लस कर देंगे प्लस माइनस, तो हमारे पास ये आ जाएगा 38,416 के इक्वल।
ओवर सिक्स। तो गैज ये आप घबराना नहीं, ये है 196 का स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस 172 प्लस माइनस ये हमारे पास 106 है, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा ओवर सिक्स। एंड गैज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाला है, तो हमारे पास माइनस सेवन, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 196 ओवर सिक्स के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद हम इसे एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में, ठीक है। तो गैस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आगे प्लस माइनस में करके उसको आगे सॉल्व कर दिया, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। तो आप आधा आधा घंटा बैठे रहें कि भाई क्वेश्चन कंप्लीट होगा अब होगा, तो मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। तो इसमें से माइनस 172 में से प्लस 160 किए, 196 किए तो 24 आ गए, और जब इनमें से किए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ये माइनस 368 हो गया, और उसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये हमने पॉइंट में जवाब लाना है क्योंकि किताब वालों ने पॉइंट में लिखा हुआ है। तो अब हम जो सा माइनस में ये हम एक्सट्रीनियस आ गया और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो गाइस ये हमने इसे सोल्यूशन सेट हमने इसे लिख भी लिया है, ताकि हमारी मैंने आपको पहले बता दिया कि वीडियो लंबी ना हो। तो सोल्यूशन सेट हमारा 4 है एंड एक्सट्रीनियस रूट हमारा माइनस 161.33 है। तो ये आगे 100 ऑन था, मैंने सिर्फ दो बार लिख लिया 3 को, ठीक है। तो वैसे 4 बार लिखते हैं तो 2 बार भी सही है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानेब, और हमारा ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस सॉरी उसके लिए कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 5 और 7 बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो मैंने सोचा मैं कहा आप भी कुछ थोड़ा सा करें कि भाई खुद भी कुछ करने की सलाहियत होनी चाहिए इंसान में। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद करके देख लीजिएगा, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसके सॉल्व करके पिक्चर आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस ये मैंने उसका आगे भी सॉल्व कर दिया कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख के आगे वो लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास a² - a² - b² का स्क्वेयर फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूला का यानी इसको खोलेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 - x² यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा 6 - 2 एंड -2 ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा 11 - x एंड 6 - x, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27 - x होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। और उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे भी इसी तरह और यहाँ पे भी इसी तरह ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 - x + 6 - x आ जाएगा, और यहाँ पे -2 एंड जब ये हम अंदर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 66 - 17 x + x², ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 27 - x, ठीक है। और उसके बाद हम इसे आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो 11 पहले हम x - x - x तो हमारे पास -2x आ जाएगा, ठीक है। एंड 11 को प्लस 6 के साथ किया तो प्लस 17 आ जाएगा, ठीक है, 17। एंड उसके बाद ये हमारे पास हम ये जो सी वैल्यू है ना -27 एंड माइनस, ये हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो -27 + x - 2 + 66 - 17 x + x² अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद हम -2 x + x + 17 एंड -27 - 2 फार्मूले वाले हैं, आप कहीं इसको भी अंदर ही ना भाई कर दीजिएगा माइनस, और फिर आप क्वेश्चन अपना सारा रॉन्ग करके बैठिएगा।
अगर आपने इस टू को भी अंदर सॉल्व ही कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना, ये हमारा फॉर्मूले वाला है टू, ठीक है। और उसके बाद माइनस टू एक्स में से एक्स निकाल ले तो हमारे पास रह गया माइनस एक्स, एंड जब 27 में से 17 निकाल लें तो हमारे पास अकेला रह जाएगा माइनस 10, और ये माइनस टू एंड 66 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल का अंडर रूट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको उधर ले जाते हैं, यानी इस वाली वैल्यू को उधर बिल्कुल ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास माइनस एक्स माइनस 10 रह जाएगा, और ये इधर हम उसे प्लस करने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड जिस तरह हमने अगेन किया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, हम इसमें भी उसी तरह ही करेंगे। तो गाइस हम इसके अगेन स्केयरिंग कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 266 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एंड ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला था जिस तरह हमने पहले फॉर्मूला खोला था। तो ये हमारे पास 10 का स्क्वायर है 100, एंड एक्स का स्क्वायर है एक्स माइनस एक्स का हमने ऊपर स्क्वायर डाला, तो इसलिए यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा, एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे प्लस है गाइस, ठीक है। मेरे से भी गलती हो गई है यहाँ पे गाइस, मेरे से गलती है यहाँ पे थोड़ी सी, बाकी क्वेश्चन तो सही है, शुक्र है। यहाँ से गलती हुई है कि मैंने यहाँ से एक्स को कॉमन नहीं लिया था, ठीक है। तो जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो फिर ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 100 ये ख़त्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस 20 एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये 4 आ जाएगा, और ये 66 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और आगे हम इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो गैस जब हम 4 को 66 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 240 64, एंड जब 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 68 एक्स एंड प्लस 4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 एक्स वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इन सब रकमों को इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर प्लस था, उधर जाके माइनस 4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये पहले हम 20 लिख लेते हैं प्लस 20 एक्स, ठीक है, ये इधर प्लस माइनस था, उधर जाके प्लस 68 एक्स बन जाएगा, ठीक है। एंड ये इधर प्लस था 100, और ये इधर प्लस था, और ये इधर जाके माइनस बन गया, इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के, ठीक है। और जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस इसमें से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 88 एक्स, एंड माइनस क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस आता है तो ये 164 इज इक्वल टू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। और अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो गाइस मैंने उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी a इज इक्वल माइनस 3 था, b इज इक्वल 88 था, एंड c इज इक्वल था माइनस 164 के, एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख दिया। बस अब हम इसमें पुटिंग वैल्यूज कर देंगे, तो पुटिंग वैल्यूज जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। गाइस क्यों ना हम इसे एक मिनट, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, क्योंकि ठीक है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 88 का स्क्वायर माइनस 4 ए हमारे पास माइनस 3, एंड सी इज इक्वल माइनस 164 अंडर रूट ओवर 2 हमारे पास इज इक्वल है माइनस 3 के, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो वैल्यूज तो पुट कर दी, अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 88 प्लस माइनस 88 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 7744, ठीक है। एंड जब हम 4 को ये माइनस 4 को माइनस 3 के साथ किया तो 12 बन गया, तो 12 को माइनस 164 के साथ किया तो ये हमारे पास बन गया माइनस 1968 ओवर अंडर रूट, और ये हमारे पास बन गया माइनस 6, ठीक है। और उसके बाद हम x इज इक्वल आ गया माइनस 88 प्लस माइनस, ये हमारे पास बन गया 5776 अंडर रूट ओवर माइनस 6, ठीक है।
और उसके बाद हम इसे आगे और मजीद सॉल्व करेंगे तो ये -88 तो ये हमारे पास बन जाता है 76 का, ठीक है, प्लस 76 का स्क्वायर रूट है ओवर यानी 5776 हमारे पास है 76 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और -6 जो हम पहले लिख रहे हैं, और अब हम इसे एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में, तो एक्स इज इक्वल आ गया -88 प्लस 776 -8 एंड यहाँ पे आ गया -88 एंड -76 ओवर -6 के, ठीक है, और एक्स इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास -12 ओवर 6, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -164 ओवर 6 के, तो ये कट जाएगा -2000 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 82 यानी 2 के साथ हम काटेंगे ना, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 82 ओवर 3, ठीक है, और अब हम लिख लेंगे कि हमारे पास एक्सट्रीमियस क्या था और स्क्वायर रूट क्या था, ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सॉल्यूशन सेट भी लिख लिया और एक्सट्रीमियस रूट भी लिख लिया, तो इसके साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कम्प्लीट हुआ। एंड गाइज आप हमारा चैनल लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाना लाजमी समझा है, ठीक है, तो गाइज ये देखें कि हमने स्केयरिंग ऑन बहुत सारे लिख लिया, तो उसके बाद यानी मैंने ये 8वां क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी लिख के उसके बाद मैंने स्केयरिंग ऑन बहुत साइड कर दिया, ठीक है, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो स्केयरिंग और ये हमारे पास फार्मूला बन गया और ये हम उस तरह वैसे ही काट देंगे, तो 4a प्लस एक्स होल का स्केयर प्लस a माइनस एक्स होल का स्केयर एंड -2 फार्मूले वाले एंड 4a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, ठीक है, ओवर इज इक्वल आ गया ए स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और ये तो काट जाएंगे इसके साथ एंड ये भी काट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, 2 का स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स -2 और ये हमारे पास आ जाएगा के 4a स्क्वायर -3। ये मैं गाइज आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड प्लस ए एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल आ गया हमारे पास ए के इक्वल, ठीक है, एंड यहाँ पे हम ये तो काट देगा तो ये 4a प्लस a ये हमारे पास आ गया 5a माइनस 2 4a स्क्वायर माइनस 4a एक्स, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यानी माइनस 4ax में से प्लस ax निकाल लेते तो 3ax रहेगा, ठीक है, एंड माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल आ गया a के इक्वल, ठीक है, तो ये इधर a प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा 5a माइनस a माइनस 2 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल आ गया 0 के, और ये हमारे पास 4a माइनस 2 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल आ गया 0 के, ठीक है, एंड अब हम इसको 4a यानी इस सारी रकम को उधर वाली साइड पे ले जाएंगे इज इक्वल के, ठीक है, 4a माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट इज इक्वल तो पहले ही लगा, अब हम अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे लिख लिया तो ये हमारे पास 4a का स्क्वायर है 16a स्क्वायर, ठीक है, एंड ये 2 का स्क्वायर है 4 और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 16a स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 16a स्क्वायर 4 4 16 एंड 6 तो 4 को 3 के साथ डिवाइड तो 12 ax एंड 4 माइनस 4 x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद इसे हम लिख लेते हैं कि उधर ले जाते हैं, ठीक है, हम सारी रकम को 6 a स्क्वायर
माइनस 16 ए स्क्वेयर इज इक्वल आ जाएगा माइनस 12 ए एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एंड ये तो काट देंगे तो हमारे पास 0 इज इक्वल आ जाएगा, हम 4 को पहले लिख लेते हैं ताकि ये स्क्वेयर बन जाएगा माइनस 12 ए एक्स, ठीक है। और उसके बाद इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो गाइज अब हम इसके साथ इस तरह करेंगे कि 0 यहाँ में से पहले इधर लिख रहे माइनस 4 एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स, एंड यहाँ पे जब हमने माइनस लिया तो यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे 3 एंड ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हम इसको अलग 0 माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू 0 के लिख लेते हैं इक्वल, एंड एक्स प्लस 3 ए इसको अलग करके 0 को इक्वल लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस तो नहीं है, लेकिन हमने ये हमारे पास ये वैल्यू अलग थी और ये वाली अलग, ठीक है, हमने इसे अलग अलग करके लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल आ जाएगा, इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4, उधर जाके डिवाइड होगा यानी 0 माइनस 4 एक्स इज इक्वल आ जाएगा 0 के, एंड यहाँ पर एक्स इज इक्वल आ जाएगा माइनस 3 के ए के, ठीक है। तो हम अब हम इसे सॉल्यूशन सेट के लिख लेंगे और फिर एक्सट्रीनियस भी लिख लेंगे, ठीक है। तो गाइस देखें कि हमने इसे सॉल्यूशन सेट हमारे पास 0 था एंड एक्सट्रीनियस हमारे पास था माइनस 3 ए। तो गाइस इसके साथ साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हुई। तो गाइस आप हमारा चैनल लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो गाइस इसके मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि 1.4 के मैंने 3 हिस्से किए हैं, तो आप पहले हिस्से का और तीसरे हिस्से का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।